अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ये ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। और ये तीन ड्रेसेस हैं, सबसे पहले मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखें, ये बेसिकली आपको प्लेन ड्रेस लग रहा है, कोऑर्ड सेट है ये मेरा। और ये बज़ाहिर तो आपको एक सिंपल शर्ट लग रही है, ये देखें शॉर्ट लेंथ है, आगे पीछे से बोट नेक है इसका, और वन चॉक्स के साथ मैंने नीचे फिनिशिंग कर दी हुई है, ठीक है। और जो ट्विस्ट है ना, वो ये है शर्ट का कि यहाँ से आप अपनी बॉडी के हिसाब से इसकी फिटिंग करके, तो यहाँ से इसको थोड़ा ऊंचा कर दें तो ये अपर बॉडी जो है वो एज अ ब्लाउज शो होगी। और इसके स्लीव्स देख लें, स्लीव्स मैंने इसके पफ स्लीव्स बनाए हैं। डिटेल्ड वीडियो इसकी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, कटिंग स्टिचिंग आप देख सकते हैं। ये इसके साथ मैंने बेल बॉटम ट्राउजर्स बनाए हैं, सिंपल कोऑर्ड सेट पहना हुआ, बहुत मज़े का लग रहा है। गुल अहमद का ये ड्रेस है, ये देखिए जी जनाब। तो मैं अब ये सेकेंड ड्रेस आपको दिखाने लगी हूँ, ये भी गुल अहमद का ड्रेस है और ये मैंने रखी है ओपन शर्ट। ये देखिएगा, कॉलर लगाया हुआ है इसको और फ्रंट ओपन शर्ट है। ये बटन बैंड बनाया हुआ है और नीचे से सारा स्टिच कर दिया हुआ है, यहाँ से बस ओपन है और यहाँ से नीचे तक सब स्टिच है, और ऊपर मैंने इसके बटन्स लगा दिए। बॉटम इसकी देख लें, ये इसका यहाँ पे मैंने राउंड शेप रखा है फ्रंट, और थोड़ा सा ऊंचा रखा है, बैक जो है लॉन्ग है, और ये फिनिशिंग कर दी हुई है आगे पीछे से मैंने शर्ट के, ये देखिए राउंड में भी। और ये है स्लीव्स मैंने इसके साथ कफ स्लीव्स बनाए हैं और हल्की सी चुनट दे दी है ऊपर शोल्डर वाली साइड पे, ये देखें कफ्स के साथ। ये भी ड्रेस पहना हुआ कोऑर्ड सेट, बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, इसके साथ मैंने बनाया है प्लाजो, ये फ्लेरी प्लाजो है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें इसका फ्लेयर कितना मज़े का लग रहा है। और शर्ट की फ्रंट जो है वो मैंने शॉर्ट रखी हुई है, तो इस वजह से इसका फ्लेयर जो है वो शो होगा, बहुत मज़े का लगेगा जी जनाब। तो ये है थर्ड ड्रेस, थोड़ा सर्दियों वाला जैकार्ड है ये। अच्छा, इसका ये था कि जो फैब्रिक था ना वो थोड़ा लेंथ में कम था, और थोड़ी सी लॉन्ग शॉर्ट ये बनानी थी, तो मैंने ये किया कि अपर साइड पर मैंने जो शोल्डर कटिंग निकली थी ना शोल्डर से, वो मैंने ऊपर की बॉडी दे दी है, आगे पीछे से मैंने ये जॉइंट कर दिया, और फ्रंट में जॉइंट में मैंने लेस और पाइपिंग ऐड कर दी हुई है। यही पाइपिंग मैंने इसके दुपट्टे पे भी ऐड की हुई है, और बाकी ये मैंने टेसल्स, ये नलकी थी मेरे पास उसी के टेसल्स बना दिया, और ये एक हैंगिंग सा है वो मैंने नीचे शीशे की तरह का वो लगा दिया। ये सिंपल वीनेक है इसका जी, और हेम पे मैंने क्या किया है कि वही जो पाइपिंग ऊपर ऐड किया उसी की पट्टी मैंने ऐड कर दी है चौड़ी सी, थोड़ी सी लेंथ इसकी इंक्रीज़ करने के लिए, और ये लेस लगा दी है फिनिशिंग के साथ की है, आगे पीछे से सेम घेरा रखा है मैंने। इसी तरह से मैंने इसके स्लीव्स के आगे भी लेंथ थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ करने के लिए फिनिशिंग के साथ सेम वही पट्टी और लेस लगा दी है। और ये इसका सिंपल ट्राउज़र्स बनाया है मैंने, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा कम था। अच्छा, इसके अंदर ये देखिए एक डिफ़ॉल्ट था, इसलिए मैंने ना आपको इसकी वीडियो शेयर की है, इसकी इसको रफू करने के तरीके पे आप वो भी देख सकते हैं। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में मैंने पहले सबसे पहले मैंने साइड्स पे जो है ये ब्लॉक्स ऐड किए हैं। ब्लॉक्स इस तरह से था कि मैंने इनको स्टिच करके लंबी सी एक पीको पाइपिंग की तरह बना लिया था, उसको फिनिशिंग के साथ लगा दिया, और इसी के बीच में मैंने ये लेस भी ऐड कर दी हुई है। ये देखें, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं ब्लू एंड मैरून, ये दोनों का टच मैंने इसमें दिया, और ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।